हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और हाँ, उसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है मेरे भाई। लास्ट ईयर जब काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था, उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आया, सबको कॉलेजेस मिले, तो उसके बाद में मेरे पास 5 to 6 स्टूडेंट ने मेरे को ये बोला जो अभी मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ, वो मिस्टेक आप ना करें। उन चीज़ों को अभी जो वीडियो में आपको बताया जाए उनको अपने दिमाग में फिक्स कर लेना। आप कुछ भी याद रखें नहीं, लेकिन इन चीज़ों को फिक्स रखना कि ये ऐसा होता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं। और देन देखिए, पहले आपको थोड़ा सा मैं रिज़ल्ट के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि बार बार पेरेंट्स का कॉल आ रहा है मेरे पास कि भैया रिज़ल्ट कब आएगा, क्योंकि हर कोई पेरेंट्स परेशान होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट का जो भी स्टेट में आपका एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स होता है वहाँ उनको सीट अलॉट हो चुका है, तो वहाँ पर उनको दिक्कत ये कि हाँ वहाँ अपना जो भी सीट मिला हुआ है तो उसको एक्सेप्ट करें या इसके लिए वेट करें, क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। दूसरा जो मिस्टेक है आपको जो आपको बताने वाला हूँ, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। देन आपको कैसे अपना काउंसलिंग में अपना चॉइस फिलिंग ऑर्डर फिल करना है, ये मैंने आपको कल वीडियो में एक 1 आवर का जो सेशन लिया था लाइव, उसमें बताया हुआ भी है, बट मैं इसको आपको समराइज करके एक बार जल्दी से बता दूंगा, जिससे आप वो आपको ना देखना पड़े। सो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने अगर हमारा चैनल जो टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लें। इसमें जाके आपको कैसे काउंसलिंग करना है और जो भी अपडेट होगा वो सब यहाँ पर दिया जाता है। तो चलो सबसे पहले मैं आपको जल्दी से रिज़ल्ट के बारे में बता दूँ, रिज़ल्ट का क्या एक्सपेक्टेड डेट है, जिससे पेरेंट्स परेशान ना हो। सो देखो, मेरा यही है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो अभी विद इन ए वीक, जो ये वीक स्टार्ट हुआ 1 नवंबर, सो 1 से 7 नवंबर के अप्रोक्स तक आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। और कोई भी कन्फर्म आपको नहीं बता सकता यूट्यूब पर, कोई भी, हर कोई अपना ओपिनियन रखता है कि तब आ जाएगा तब आ जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था 21st of October के बाद आएगा, मैंने किस बेसिस पर बोला, मैंने बोला कि लास्ट 2 ईयर से ये हो रहा है कि 21st अक्टूबर के बाद, आपके बाद देखो सिनेरियो चेंज हुआ, 30 डेज से ओवर हो गया लेकिन अभी तक आया नहीं। सो इसलिए मैं आपको बोला हूँ 7 नवंबर तक आप वेट करें, और आप बार बार ये ना पूछें कि रिजल्ट कब आए, कोई भी कन्फर्म नहीं बता सकता, क्योंकि आपको पता किसका कॉन्टैक्ट है ICR से, किसी का भी नहीं है। अगर मैंने ICR को कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया है, मैंने पूछा है, मैंने मेल भी किया है, तो उनका मेरे पास सिंपली रिप्लाई आया है कि आपका जो फर्दर है जब आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अब हमारे पास इसका कोई भी मतलब जो भी ऑफिशियल नोटिस नहीं है कि कब रिलीज़ होगा, ये उनका रिप्लाई आया था। सो चलो सबसे पहले कि कौन सा मिस्टेक आपको नहीं करना और इन चीज़ों को आपके ध्यान में रखना है काउंसलिंग करते टाइम, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा टाइम इन चीज़ों में इन्वेस्ट करो कि आपको कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, आपका परसेंटाइल इतना है तो आपको किस कॉलेज में भाग, किस कॉलेज को अपनी प्रेफरेंस में रखना है, और कॉलेजेस के बारे में जानो आप, अभी आपके पास टाइम है। बाद में काउंसलिंग होगा उस टाइम आप चॉइस फिलिंग करो, तीन चार दिन का टाइम मिलेगा, तो उसमें जल्दबाजी में आप इन चीज़ों को भूल जाते हो, ऐसा भी होता है, आपको जो कॉलेज मिलता है आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो बिना फीस स्ट्रक्चर देखे, बिना कुछ देखे। सो जो अभी आपको बताया जा रहा है, और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ आता है, वीडियो को कुछ भी आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपके पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा, आपको जब तक कॉलेज नहीं मिल जाएगा तब तक आपको बताया जाएगा। आपको अगर ICR के राउंड्स में भी कॉलेज नहीं मिलता तो खुद मेरा यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो स्पोर्ट काउंसलिंग कराती है अपना, उसमें बहुत सीट्स वैकेंट रहता है, तो उसमें आपको बताया जाए कैसे आपको काउंसलिंग करना है, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक सीट ज़रूर मिल जाए। देखो सबसे पहले जो चीज़ अपग्रेडेशन, इसके बारे में मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है। लास्ट ईयर बस यही दिक्कत था, फर्स्ट राउंड में पहले आपको सीट मिला, आपको कॉलेज मिल गया फॉरेस्ट्री, भाई फॉरेस्ट्री ले लिया 4000 रैंक पर उन्होंने, क्योंकि उन्होंने फॉरेस्ट्री भी पुट किया था अपनी प्रेफरेंस में, जैसे कि उन्होंने पहले एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री माना कि उसको फर्स्ट रैंक जो भी था उसका, तो उसमें फर्स्ट टाइम में उसको फॉरेस्ट्री मिला, उसने फॉरेस्ट्री ले लिया। जब मिल गया तब उसके बाद में जो मेरे कॉलेज में आया तब वो मेरे को आगे बोल रहा है कि सर ऐसे ऐसे मेरे को ये मिल, तो मैं भाई उस टाइम कहाँ था तू रे, उस टाइम कहाँ था। एक अपग्रेडेशन नाम का भी चीज़ होता है, इसमें अपग्रेडेशन में क्या होता है, देखो अपग्रेडेशन में क्या होता है, देखिए अपग्रेडेशन में होता है क्या है, अपग्रेडेशन में माना कि जैसे कि आपने अपनी चॉइस फिलिंग BSc एग्रीकल्चर कोई भी कोर्सेज के लिए आपने 10 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको चॉइसेस मिली। फर्स्ट राउंड में माना कि आपको 8 नंबर पर आपने जो भी कॉलेज सेलेक्ट किया वो मिला, लेकिन आपको चाहिए कौन सा था कि हमको ये top 3 चाहिए था, या आपको 8 से ऊपर वाला चाहिए था, आपका 8 नंबर पोजीशन से ऊपर। अगर आपको 8 नंबर पे मिला, या किसी को 60 नंबर 60 तक अगर उसने चॉइसेस मिली 60 नंबर का मिला है, या 40 नंबर 30 नंबर आपका अभाव चाहिए, तो भाई आप को आप फर्स्ट राउंड का सीट आप जैसे कि 8 नंबर का आपको मिला, तो आपको इसके लिए बाद में कराना होता है अपग्रेडेशन, अपग्रेड कराना होता है। अपग्रेड कराने का मतलब सिंपली सा होता है कि 8th नंबर से ऊपर जितना भी आपका है
7654321। अगर आप सेकंड राउंड में उसके लिए फॉल करते हो, आपका जो रैंक है उसके लिए फॉल करता है, तो वो आपको मिल जाएगा। और आपके पास अगर नहीं मिलता तो यही आपको बाद में दे दिया जाएगा सेकंड में भी। सो एक चीज़ कि भैया हम तो सेकंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे तो फर्स्ट का क्या हमारे पास से छूट जाएगा? नहीं भाई, आपने अगर फर्स्ट राउंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ तो आपने सेकंड के लिए अपग्रेड के लिए, तो आप बाद में भी फर्स्ट को ले सकते हो, लेकिन फिर आपने सेकंड राउंड के बाद में सेकंड में भी आप अपग्रेड कर सकते हो थर्ड राउंड। तो माने जो आपको थर्ड राउंड में मिलेगा तो उसके लिए उस टाइम आप फर्स्ट वाले को नहीं ले पाओगे, तब आप सेकंड वाले के लिए एलिजिबल होगे। समझ आया आपको? आई होप आपको समझ आया होगा कि जब थर्ड राउंड के लिए आप जाओगे तब आप फर्स्ट वाले को नहीं ले पाओगे, और फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप अपग्रेड करा सकते हो, थर्ड राउंड में कोई भी अपग्रेडेशन नहीं होता है, एंड मॉपअप राउंड में भी कोई अपग्रेडेशन नहीं होता है। सो आई होप आपको अपग्रेडेशन समझ आया, तो ये दिमाग में रखना मेरे भाई कि आपको फर्स्ट राउंड में जो सीट मिला है तो उसको आप बाद में अपग्रेड भी करा सकते हो। तो देखो क्या होता है, इफ़ ए कैंडिडेट डज नॉट गेट हिज चॉइस फर्स्ट राउंड रिपोर्टिंग सी मे बी नॉट अडॉप्ट ग्रेडिंग, मतलब यही जो मैंने आपको बताया कि उसको अपने जो उसको चाहिए था वो अगर नहीं मिल पाता है तो उसको अपग्रेड करा सकता है। पहला चीज़ ये था। दूसरा चीज़ ये था, देखिए मैंने आपको बोल बता दिया, इफ़ आई अपग्रेडेशन डू नॉट गेट माई बेटर चॉइसिस सो देन आई लूज माई ओरिजिनल, मतलब आपको अगर अपना चॉइस नहीं मिला है तो देन आप उसके लिए अपग्रेड कराते हो तो आपको जो ओरिजिनल फर्स्ट राउंड मिला था वो लूज़ करोगे, बिल्कुल लूज़ नहीं होगा, वो आप उसको दोबारा से ले सकते हो, ये इसमें बताया गया है। देन देखिए ये लिखा है कि कैन कैंडिडेट रिक्वेस्ट अपग्रेडेशन वाइल रिपोर्टिंग, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि आपने फर्स्ट राउंड में कॉलेज में जैसे फर्स्ट राउंड का आपका होता है तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करा दिया, बस आपने अपना फी पे नहीं किया, तो उससे पहले आप इसको अपग्रेड करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ आया आपको? देन उसके बाद में आपको कितना, अगर आप कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी से या नॉन रिजर्वेशन कैटेगरी से, तो आपको अगर एक सीट एक्सेप्ट करना है ICR का तो कितना फ़ी आपको पे करना होता है, आपको 10,000 rupees पे करना होगा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया और आपको समझ भी आया होगा कितना सीट एक्सेप्टेंस फ़ी लगेगा। अब देन मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, बेस्ट प्रेफरेंस, जो कि मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। जैसा कि आपको दिख रहा है ये है आपका ही, तो इसमें रोल नंबर दिया होता है, चॉइस फिलिंग चॉइसेस यहाँ दिए होते हैं, और आपको नॉट लॉकर, जब तक आपका डेट एक्सपायर नहीं होता है काउंसलिंग का तब तक नॉट लॉकर से होता है, उसके बाद में लॉकर से हो जाता है, ये आपका UG का ही है। तो देखिए किसी बंदे ने कितने बाई मिस्टेक कितना गलती किया कि हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री कम्युनिटी साइंस सेरिकल्चर एग्रीकल्चर, बिल्कुल रैंडम चॉइसेस फिल किया है, इसको कोई आइडिया नहीं है कॉलेजेस का, एटलीस्ट उसको आइडिया होता है कि मेरे रैंक को हॉर्टिकल्चर मिले तो वो हॉर्टिकल्चर रिपोर्ट करता, फॉरेस्ट्री मिलता तो उसको फॉरेस्ट्री, उसको कुछ पता नहीं। देख सकते हो आपने, तो पहली बात तो ये कि आपको रैंडम चॉइस फिलिंग नहीं करना है। पहला जो मैं आपकी आपको कैसे आप अपना बेटर चॉइस फिलिंग बेटर प्रेफरेंस दे पाओगे, पहले रैंडम चॉइस फिलिंग से आपको बचना है। दूसरा चीज़ फ़ी स्ट्रक्चर को देखना है कि फ़ी स्ट्रक्चर कितना है, और देन अगर आपका 90% अगर OBC और जनरल कैटेगरी से, अगर आपका 90% से अबव है तो अपना प्रेफरेंस पे आप फर्स्ट में एग्रीकल्चर रखें, फर्स्ट में एग्रीकल्चर रखें, और एग्रीकल्चर के वो कॉलेजेस जिनका फ़ी स्ट्रक्चर कम है जो आपकी नियर बाई कट ऑफ रैंक पर है वो रखें। देन एक और चीज़ आप ध्यान रखना, जो SC ST वाले हैं वो तो आपका 80% भी है तो उस पर भी आप फर्स्ट में एग्रीकल्चर रख सकते हो, एग्रीकल्चर रखना है रख सकते हो, क्या रखना है आपको, अगर 80 से अगर आपको 90 से बिलो है, अगर 90 से आपका है 90% से कम है जो भी जनरल OBC के, आपको फर्स्ट में हॉर्टिकल्चर रखना है, देन उसके बाद में एग्रीकल्चर शिफ्ट करना है, देन उसके बाद फॉरेस्ट्री फिशरीज, क्योंकि अपना प्रेफरेंस वो रखो आप जो आपको कॉलेज मिल सकता है। और ऐसा गलती नहीं करना है कि आपका आ रहा है 88% और आप डाल रहे हो GBPUT BHU, तो भाई ऐसा तो मत करना एटलीस्ट, क्यों आपको पता है वो मिलने वाला है नहीं, तो क्यों अपनी प्रेफरेंस देके उसको ख़राब कर रहे हो आप, क्योंकि आपको पता है कि आपका काउंसलिंग जब होगा तो आपका एक बार में आपको चॉइस फिलिंग करने का मौका मिलता है 3 rounds के लिए, तो ये गलती नहीं करें, क्योंकि आपको बाद में मौका कब मिलेगा, मॉपअप राउंड में जब सीट वैकेंट रहेगा तब, अदरवाइज नहीं। सो आई होप आपको जो मैंने वीडियो में बताया वो आपको समझ आया होगा, और हाँ आपको अगर कोई भी दिक्कत होता है काउंसलिंग करने में तो आप मेरा हेल्प भी ले सकते हो, और आप हमारी पेड काउंसलिंग में या पर्सनलाइज काउंसलिंग में आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसका आपको देखिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया हुआ है, इसमें आपको कोई चॉइस फिलिंग नहीं दिया जाएगा, चॉइस फिलिंग से बेटर है कि आपको करके दिया जाएगा कंप्लीट, आपको कोई परेशान होने का ज़रूरत नहीं है कि आप बार बार साइबर कैफे पे जा रहे हो, उनको साइबर कैफे वालों को कोई आइडिया भी नहीं होता है कौन सा कॉलेज, वो आपसे पैसा तब भी लेंगे बट उनको कोई आइडिया नहीं तो कैसे करोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आप काउंसलिंग प्रोसेस ज्वाइन करते हो तो आपको कंप्लीट काउंसलिंग करके दिया जाएगा, जिसमें आपको चॉइस फिलिंग आपका जब तक आपको सीट नहीं मिल जाता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब भी आपको हेल्प किया जाएगा, आपका जो भी क्वेरी होगा उसको सॉल्व किया जाएगा,
आप कोई भी कॉलेजेस का आपको अगर जानना है कि वो कैसा है तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ दिया गया, उसका जो आपका प्राइस है वो 499 रुपीज़ है, और ये जो नंबर दिया गया यही पेमेंट नंबर है, यही व्हाट्सअप नंबर है। तो इस पर आप ज्वाइन करने के लिए अपना पेमेंट सेंड करें और अपना जो भी स्कोर कार्ड वो सेंड करके आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको खुद से अगर काउंसलिंग करना है तो आप खुद से भी कर सकते हो, कोई ये कंपलसरी नहीं, बट जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं जिनको आइडिया नहीं है तो वो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि आपको अच्छे कॉलेज में जाना ये ज़रूरी है, रदर देन आप स्ट्रगल करो बाद में कि मैं कुछ अच्छा डिजर्व करता था वो मेरे को मिला नहीं। सो कॉन्टैक्ट नंबर यह दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इस कॉन्टैक्ट ये आपको शो होगा सचिन के नाम से जब आप पेमेंट करोगे। सो आई होप इस वीडियो में इतना ही आपको समझ आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और भी आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा कि कैसे आपको क्या करना है। आपको बस मिस्टेक नहीं करना, जो बात बताए उनको दिमाग में रखना है कि ऐसा भी होता है, क्योंकि बाद में मेरे को एक गर्ल्स बोली थी कि सर कोई यूट्यूब वाला ऐसा बता रहा था कि अपग्रेड नहीं होता है, तो आप ऐसा नहीं कि आप थोड़ा बहुत एटलीस्ट किसी पर तो आप ट्रस्ट कीजिए। सो इस वीडियो में इतना ही, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।